गुजी में। और आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो आपके टॉप 10 बेस्ट कॉलेजेस है हमारे इंडिया में उनके बारे में। देखो, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हर कोई पर्सन, हर कोई स्टूडेंट अपने अपने एरिया में रहना चाहता है मोस्टली। तो अगर आपके एरिया में जो हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन अगर आपका पॉसिबल हो पा रहा है तो आपके लिए वो बेस्ट है। क्यों? क्योंकि आप वहां से कोई भी कोर्स करोगे, आप अगर अच्छे से करते हो तो आपको जरूरी नहीं है टॉप 10 कॉलेज में या टॉप 50 कॉलेज में एडमिशन के लिए। लेकिन फिर भी बच्चे जानकारी के लिए, कि बच्चे चाह रहे थे कि सर कौन से टॉप 10 बेस्ट कॉलेजेस हैं जो चाहते हैं कि वो अफोर्ड कर सकते हैं, जाना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। ये मेरे पास टॉप 10 बेस्ट कॉलेजेस की लिस्ट है। इनमें एडमिशन कैसे होते हैं, एडमिशन की प्रोसेस क्या है, तो वो सबसे लास्ट में आपको वेबसाइट बताने वाला हूँ, वहां पे आपकी क्वेरी कंप्लीट हो जाएगी। सबसे पहला है लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वुमेन। उसके बाद आता है ये हमारा जाना माना, जो हमारे कॉमर्स के बच्चे हैं मोस्टली, मैं रेफर करूंगा आप इसको ट्राई करें, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली। उसके बाद लोयला कॉलेज चेन्नई, प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई, हिंदू कॉलेज दिल्ली, सेंट स्टीफन्स कॉलेज दिल्ली, मिरांडा हाउस दिल्ली, सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई, सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी पूना और दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज दिल्ली। इसके बाद कुछ जानी मानी यूनिवर्सिटी है, मणिपाल यूनिवर्सिटी आती है, एमएटी के बारे में बहुत से बच्चों ने सुना होगा। लेकिन देखो, क्वेरी मेन यहाँ आती है कि आप किस कोर्स को करना चाह रहे हो, उसकी फीस क्या है, वहाँ रहने का खर्चा क्या है, उन सबको देखते हुए आपको डिसीजन लेना है। तो मैं जैसा कह रहा हूँ कि आप अगर आपके एरिया में कोई भी गवर्नमेंट एफिलेटेड कॉलेज है या गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें एडमिशन लो और जो कोर्स करना चाह रहे हो अच्छे से करो, नो टेंशन। नहीं हो पाता है प्राइवेट से करो तो साइड में आपको कोई ना कोई एक कोर्स चूज करना पड़ेगा। अगर आपका एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में है और वो कॉलेज उतना वैल्यूएबल नहीं है आपके हिसाब से जितना होना चाहिए, तो मेरा आपको सजेशन यही रहेगा कि उसके साथ साथ आप कोई और कोर्स करें। जैसे बीकॉम कर रहे हो तो CACS कर सकते हो आप, CFA कर सकते हो, CMA कर सकते हो, अकाउंटेंट की ट्रेनिंग कर सकते हो, अकाउंटेंट की कोचिंग कर सकते हो, GST के बारे में पढ़ सकते हो, इन सब के बारे में पढ़ सकते हो। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को शेयर करना मत भूलना, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना।